थोड़ी कक्षा ऊंची होनी चाहिए आपके, स्तर सुधारिए अपना। अब वो सतवचन महाराज वाली बात तो बहुत हो चुकी, जो कह दिया बाबा वाक्यम प्रमाणम, जो बोल दिया उन्होंने बस सब ठीक है। हृदय की भावना भी चाहिए लेकिन बुद्धिमत्ता भी चाहिए, तर्क भी चाहिए, युक्ति भी चाहिए, प्रमाण भी चाहिए, लॉजिक भी चाहिए। तो आपसे मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जिस चीज को खोज रहे हैं इस पूरी दुनिया में, वो आपकी खोज एक ही है। आप दुख से बचना चाहते हैं, पूरी तरह सुखी हो जाना चाहते हैं, आनंदित हो जाना चाहते हैं। वो आनंद आप अपने प्रेम में भी ढूंढ रहे हैं, आप वो धन में भी ढूंढ रहे हैं, वो आप सत्ता संपत्ति में भी ढूंढ रहे हैं, वो बड़े बड़े पदों में ढूंढ रहे हैं, वो संगठन में आप ढूंढ रहे हैं, दुनिया की हर चीज में खोज रहे हो। दिखाई देता है, झलक मिलती है, जिसके साथ बहुत बड़ा संगठन है, लोगों को लगता बड़ी पावर है, यहां बड़ा आनंद होगा। जैसे नजदीक जाकर देखते हैं तो वो आदमी भी दुखी दिखाई देता है। जिनके पास बहुत पैसा है, लोग सोचते हैं बहुत पैसा आ जाने में हर चीज पीछे पीछे दिखाई देती है, हर कोई आदमी पीछे पीछे है। जिसके पास है पैसा, हर कोई पूछता है भाई तू है कैसा, और पैसा नहीं है तो लोग उसके नमस्ते भी लेने को तैयार नहीं है, उसकी तरफ देखते भी नहीं, फालतू आदमी नजर आता है। लेकिन पैसे वाले की तरफ भी जा जाकर देख लिया तो दिखाई देता है वो भी दुखी है, वो भी परेशान है। महावीर स्वामी जब अपने महलों से वन की तरफ प्रस्थान किया अपने आनंद की झलक लेने के लिए, तो ऐश्वर्य साम्राज्य धन बल जन बल सैन्य बल शस्त्र बल अस्त्र बल सब बल छोड़ करके निकले, और जब उनको अपने आनंद की झलक मिली तो तीर्थंकर हो गए। तीर्थंकर तीर्थ मेकर, जहां बैठ जाए वहीं एक तीर्थ निर्मित हो जाए। इसलिए इस दुनिया में जो खुद तरते हैं और दूसरों को तार देते हैं वो ही लोग होंगे जो परमात्मा से जुड़ेंगे, जो उस आनंद से जुड़ेंगे, वो खुद भी तरेंगे दूसरों को भी तारेंगे। देखिए कहा जाता है कि जीना ऐसा जीना होवे कि जीना कोई कल पाए तू, किसी भी जी को पीड़ित ना करे। जीना ऐसा जीना होवे जीना कोई कल पाए तू, मरना हो तो ऐसा मरना कि मरकर फिर ना आवे तू मुक्ति मोक्ष। मरना ऐसा मरना होवे मरकर फिर ना आवे तू, तू रोता था सब हंसते थे, जिस वक्त यहां पर आया तू सब रोते हो तुम हंसते हो, जिस वक्त जहां से जाए तो अपने आप को वहां तक पहुंचाता। कि प्रेम के आंसू सबके आंखों में छोड़कर जाओ, ये नहीं हो कि जिसके जाने से लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आए और मिलने पर दुख पहुंचे। कुछ लोग होते हैं ना जिनके मिलने से लोगों को बड़ा दुख होता है कि ये मिला क्यों, और बिछड़ जाए तो लोग कहते हैं धरती का बोझ हल्का हुआ। और जिसके मिलने से चेहरे पर मुस्कुराहट आए और बिछड़ने पर आंख में आंसू, बस जीना तो उसको आ गया, ऐसे जियो। याद दिलों में बस जाए। तो आपसे मैं कह रहा था कि जिस आनंद की झलक हम दुनिया में देखते हैं वो हमारे अंदर है, क्योंकि हम बाहर तो केवल मात्र उसका प्रतिबिंब देख रहे हैं। भगवान ने हमको बहिर्मुख बनाया है, हमारी दृष्टि बाहर की तरफ ज्यादा है,
तो इसलिए अपने अंदर झांकते नहीं है, झांकने की कोशिश भी करें तो आदत भी नहीं है। भगवान ने आपकी सारी दौलत आपके अंदर छिपाई है और इंसान को कह दिया कि जो तू पाना चाहता है तुम्हें मिलेगी जरूर, पर ये ढूंढ लो, ये जान लो कि वो है कहाँ। क्योंकि भगवान ने मनुष्य को देने के लिए अपनी कीमती चीज सहज ना मिले, बुद्धिमत्ता से मिले, तो फिर भगवान ने यह कहा था कि मैंने जैसा बनाया इंसान को, इसको बहिर्मुख बनाया, ये बाहर की तरफ देखता है, इसको अपनी थाली से ज्यादा दूसरे की थाली में कुछ ज्यादा अच्छा दिखाई देता है, अपने घर से बाहर दूसरे घर में ज्यादा कुछ सुख दिखाई देता है, अपने से ज्यादा दूसरे में उसको सुख दिखाई देता है, अपनी गाड़ी से ज्यादा दूसरे की गाड़ी ज्यादा अच्छी दिखाई देती है। ये हमारी मुसीबत है सबकी। तो भगवान ने व्यक्ति के अंदर ही सारी चीजें छिपा दी, इसलिए गुरु ये सिखाता है कि बाहर देखना तो तुम सीख गए हो, लेकिन अब अंदर झांकना सीख जाओ, बस यही गुरु की विशेषता होती है। और विधि बताता है, क्योंकि अपने से बहुत डर लगता है, जब अंदर आंखें बंद करके बैठते हैं तो अपना सामना करना बड़ा मुश्किल काम है, आंखें बंद करते ही न जाने क्या क्या दिखाई देने लग जाता है, आदमी फटाफट आंखें खोल लेता है। इसलिए जहां कहीं बैठा हुआ आदमी वो अपने एकांत से बड़ा डरता है, अकेले होने से डरता है। आपने देखा होगा अकेला बैठा होगा आदमी, या तो अखबार पकड़ लेगा, मैगजीन हाथ में ले लेगा, आजकल तो टेलीफोन पकड़ लेते हैं, टेलीफोन में भी व्हाट्सएप, कमाल की बात है। ऐसा लगता है आदमी बेरोजगार है, सारा दिन व्हाट्सएप लिए बैठा है, फेस टू फेस बात करते नहीं है। फेसबुक बड़े कमाल की बात है, लाइक अनलाइक करने में लगे हुए लोग। और पत्नी खाना लेकर आई, पति से कहती खाओ, और पति कहता है कच्ची है दाल और जली हुई है रोटियां, कमाल की बात कर रहे हो आप। मैंने अभी फोटो भेजा है इसका फेसबुक पर, कितने 150 लोगों ने तो लाइक कर लिया, बड़े स्वाद है, और तुम्हें जो है रोटियां जली भी दिखाई दे रही हैं। इतने खाली बैठे हुए लोग एकदम लाइक करने को तैयार है। फेस टू फेस मिलने को तैयार कोई नहीं है, फोन से चिपके बैठे हैं और सारी दुनिया के साथ। और कमाल की बात तो ये है, पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठ के हंसते थे, आजकल तो मोबाइल फोन लेकर के उसको देख के हंसते हैं, अकेले अकेले हंस रहे हैं। और जो अकेला बैठा हंस रहा, बराबर से गुजरता हुआ आदमी भी उसको कहता है मुझे भी सेंड करना भाई साहब, मैं भी अकेले बैठ के हंसूंगा, साथ हंसते ही नहीं। इससे भी ज्यादा दुर्भाग्य की बात तो ये, आजकल दूसरे का फोटो खींचने वाला नहीं मिलता, इसलिए सेल्फी लेते हैं, अपना फोटो खुद ही ले रहे हैं, फोटो खींचने वाला भी नहीं मिल रहा है भाई। तो इस युग में जब हम लोग जी रहे हैं, बनावट वाली दुनिया, बहुत अकेले हो गए, लेकिन बहुत अकेले होने के बाद भी अंदर झांकने की चेष्टा नहीं कर पा रहे हैं। और जब तक अपने अंदर नहीं झांकेंगे तब तक अंदर शांति आएगी नहीं, आनंद आएगा नहीं। अपने उस चीज को जिसको हम दुनिया में ढूंढते फिर रहे हैं वो बाहर नहीं, आपके अंदर है। तो चर्चा में हम बढ़ते हैं वहां जहां अर्जुन ये पूछता है कि मुझे उनके बारे में बताओ कृष्ण, वे लोग जिनकी बुद्धि स्थिर है, चंचल मति वाले लोग बहुत हैं, इतनी चंचल मति जिनकी हर पल चंचलता, बंदरों जैसी चंचलता चारों तरफ दिखाई देती है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ठहरी भी बुद्धि जिनकी है, शांत, ऐसे लोग जिनकी चेतना अकंप, अडोल लोग, जिन्हें कोई हिला नहीं सकता, कंपित नहीं कर सकता कोई, जिन्हें जिनके ऊपर दुनिया के भड़कावे का प्रभाव नहीं आता, जो लालच में नहीं आएंगे,
भड़काने में क्रोध में नहीं आ जाएंगे, निराश करने पर जो अपना चेहरा लटका कर नहीं बैठ जाएंगे, और जिन्हें कोई उद्वेलित नहीं कर सकता, जिनकी चेतना अकंप है, ज्ञान ज्योति जिनकी, ज्ञान की ज्योति या दीप शिखा जिनकी अडोल प्रकाशित हो रही है, ऐसे जो लोग हैं दुनिया में, वो बैठते कैसे हैं, उठते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, व्यवहार कैसे करते हैं, कैसे लोग होते हैं? क्योंकि हम तो वो लोग हैं जिनके साथ प्रेम प्यार का वातावरण मिला, ममता में पले, ममता की छाओं में बड़े हुए, और आज वही लोग धनुष बाण लेकर सामने लड़ने को तैयार हो गए। राजगद्दी इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि लोग हमारे खून के प्यासे हो गए। हमने हर परीक्षा दी, ये भूमिका मस्तिष्क में रख लीजिए। जब अर्जुन ये पूछ रहा है, इस बात को पूछिए कि एक विधवा महिला, उसके 5 बच्चे, महारानी थी वो, हस्तिनापुर नरेश की महारानी, पति नहीं रहे और भाई को मान देते हुए भाई ने कह दिया ये राज्य तुम संभालो, मेरे बच्चे जब बड़े हो जाएंगे ना तब दे देना। और जानता है भाई कि मेरा भाई अंधा है, लेकिन राजपाठ तो चला ही लेगा, मंत्री बहुत अच्छे हैं, तो मेरे बच्चों को भी पाल लेगा। अपनी पत्नी से भी कह दिया कि मेरा भाई ध्यान रखेगा बच्चों का। पत्नी तो सिर पर पल्ला रख करके पूरी मर्यादा का पालन करती रही, कुंती ने कोई कमी नहीं छोड़ी, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए, लेकिन खेलते खेलते बच्चे छोटी छोटी लड़ाइयां बड़ी हो गई। पेड़ पर चढ़े हुए हैं दुर्योधन के भाई, भीम ने पेड़ को हिला दिया, 1-2 नीचे गिर गए, बच्चों की लड़ाइयां बड़ी होती चली गई। बड़ों को पता तब लगा जब खीर में जहर मिलाकर भीम को खिलाकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया गया। गंगा में बह गया भीम, जासूसों ने आकर के भीष्म को सूचना दी, भीष्म भागते हुए गए, दादाजी गए जाकर के निकाल कर लाए अपने बच्चों को, और उन्होंने धृतराष्ट्र को डांटा और ये कहा कि तुम्हारे मोह के कारण तुम्हारे बच्चे इतने बिगड़ गए हैं कि छोटी मोटी लड़ाई षड्यंत्रों में बदल गई, ये लड़ाई कहीं बड़ी ना हो जाए, तुम्हें सावधान होना पड़ेगा। कहानी बहुत विचित्र है, सच्ची है, वो लड़ाई बढ़ती चली गई। और ऐसे लोगों को, जो दुष्टता से भरे हुए लोग होते हैं, उन्हें अपने जैसे लोग जरूर मिल जाते हैं। दुर्योधन ने शकुनी को ढूंढ लिया, चांडाल चौकड़ी बैठ गई साथ में, नए नए षड्यंत्र। सोचिए जिन्होंने लाक्षाग्रह देखा हो कि जलाकर मारने की योजना बनाई गई हो, और उसके बाद फिर वनवास झेला, और सारी कहानी के पीछे आप सोचते जाइए कि फिर जैसे द्यूत क्रीड़ा हुई जीवा में, कैसे उनको फिर हराया गया, फिर जंगल में भेज दिया गया, इतना सब करने के बाद कहा कि 1 साल ऐसा रहेगा कि जब तुम अज्ञातवास में रहोगे, तुम्हें अगर पहचान लिया गया तो फिर 12 साल के लिए वापस जाना। ये तो वनों की खाक छान रहे हैं, और वन के अंदर वनवासी महिलाएं मिलती हैं कुंती को और कहती हैं तुम्हारे बच्चे बड़े होने आ रहे हैं, बहादुर हैं, लेकिन तुम्हारा यह हाल कैसा है बहन? कुंती कहती है मेरा बेटा धर्मराज बड़ा शास्त्रों का ज्ञाता है,
एक भीम महाबली और दुनिया का श्रेष्ठ धनुर्धर मेरा अर्जुन और दो बच्चे ये नकुल सहदेव सबसे सुंदर बच्चे, ऐसा सुदर्शन व्यक्तित्व कहीं नहीं है। लेकिन इनका माथा जो है ना, जहां ये भाग लिखा जाता है, वो इनका ठीक काम नहीं कर रहा। इसलिए इस भाग्य की मार के कारण बर्दाश्त करने का समय चल रहा है। हम बर्दाश्त करते हुए वन में इस वक्त को बिताते हुए घूम रहे हैं। सब्र बहुत किया उसने, लेकिन उस सब्र का परिणाम देखिए कि युद्ध कितना भी दूर फेंकते चले गए नहीं। भले लोग कहते हैं ना, लड़ने में कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग समस्याओं से भागते हैं। कल मैंने आपसे कहा था कि दुनिया के हर ताले की चाबी जरूर है और दुनिया के हर समस्या का समाधान भी जरूर है, बस खोजने वाला चाहिए। कभी भी मत मानना इस बात को कि मेरी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कभी भी ये मत सोचना मेरा रोग नहीं जा सकता, जा सकता है। हर रोग का निदान है। युद्ध सामने आ गया। अब युद्ध जब सामने आ गया, अर्जुन युद्ध से भागना चाहता है। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन के इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें विश्व जागृति मिशन आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 0111-4710-4610-28-34-5656 और 2834-4767, टोल फ्री नंबर 1800-118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में। सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली